अब हम लोग निकल रहे हैं गोवा के लिए, ट्रेन में बैठ चुके हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली हम लोग हैं गोवा में, और वैसे तो हम गोवा कई बार पहले भी आ चुके हैं, थिंक दिस इज सिक्स्थ टाइम ऑफ आवर इन गोवा, लेकिन इस बार की गोवा ट्रिप थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है तीन रीजन से। फर्स्ट, इस बार हम मम्मी पापा के साथ गोवा आए हैं, क्योंकि हम हर बार आते थे उनको लगता था पता ही नहीं गोवा में क्या होता है, तो इस बार हम मम्मी पापा को भी लेकर आए हैं। सेकंड इज कि इस बार हम ट्रेन से आए हैं गोवा, और इस ट्रेन से आने से स्पेशल था क्योंकि हम पहली बार राजधानी में ट्रेवल किए, जो कि बहुत ही बकवास रहा क्योंकि हम बहुत बोर हो गए, 24 घंटे का ट्रैवल था, बहुत ज़्यादा बोर हो गए। एंड थर्ड इज़ कि मैं अपनी व्लॉगिंग जर्नी शुरू कर रही हूँ गोवा से, जो एक्चुअली इट्स नॉट व्लॉगिंग बट मैं चाहती हूँ कि अपनी एक वीडियो जर्नल रखूँ, तो उसी के साथ व्लॉगिंग मैं उसको यूट्यूब पे पब्लिश कर रही हूँ और हो रहा है, लेट्स सी कैसा होता है। आई होप कि बेस्ट ऑफ द लाइफ कम टू मी, जिससे मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ, और अभी देखते हैं कि गोवा में क्या क्या होता है। बाय द वे, हम कल आ चुके हैं लेकिन मैं सेकंड डे पे इसको शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कल हम बहुत थक गए थे ट्रेन जर्नी के बाद। हम 8 बजे पहुँच गए होटल, हमें 2 बजे तक एक रूम, 11 बजे मिल गया एक रूम, हमें 2 बजे मिला, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन हमने काफ़ी सारा एक्सप्लोर कर लिया था, लाइक बीच पे हम चले गए थे, पूल में हम चले गए थे रूम मिलने से पहले ही। तो लेट्स सी आज क्या क्या होता है। हेलो ट्रैवलर, से हेलो। हेलो, हिज नेम इज़ अमित बाय द वे, ये अपने आप इंट्रोडक्शन नहीं दे रही। यहाँ पे हमें उटोरदा बीच पे, यहाँ पे बहुत बड़ा चेस है होटल के अंदर। अरे सही है यार, मम्मी को लाके खेलना, आई एम नॉट अ बिग चेस प्लेयर, मम्मी इज। वन मोर थिंग, क्योंकि गोवा की हॉलीडेज ना हर किसी के लिए अलग अलग होता है, मतलब हमारे लिए सारी हॉलीडे इज काइंड ऑफ, मेरे लिए तो होती है कि हम लोग विजिट करें, ट्रैवल करें, अमित के लिए होती है कि उसको बस जाके सोना है छुट्टियों में। तो दोनों मतलब हर किसी के लिए हॉलीडे का मतलब अलग होता है, तो गोवा में अगर आप आते हैं, गोवा के लिए भी हर किसी को अलग एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कुछ लोग को नाइट क्लब और पार्टीज़ ज़्यादा पसंद आती है, कुछ लोगों को सिर्फ बीच पे रिलैक्स करना, फ्यू ड्रिंक्स, शार्क्स, सनबेड पे बैठना और एक अच्छा होटल और अच्छा फूड। तो हम लोग सेकेंड टाइप वाले हैं, हमको सिर्फ बीच पर रिलैक्स करना और पूल में रिलैक्स करना और फ्यू ड्रिंक्स, सनबेड, एक अच्छा होटल और बहुत सारा अच्छा खाना, ये चाहिए होता है। तो हमारा हॉलीडे उस हिसाब से है, हम लोग नाइट क्लब या पार्टीज़ उसमें नहीं जाते इस बार। तो वैसे मम्मी पापा वैसे भी नहीं जाएंगे, हमेशा हमारे साथ 2-3 साल से कहना रहा है, तब नहीं जा पाते, और जब हम सिंगली जब हम लोग विदाउट बेबी थे तब भी हम लोग नहीं जाते थे, क्योंकि हमें सिर्फ सोना होता था। बाय द वे, बीच इज सुपर क्लीन एंड क्राउड फ्री, मतलब बहुत कम लोग हैं। अभी तो खैर मॉर्निंग है इसलिए भी कम लोग हैं, लेकिन दिन में भी, अब कल आए थे इवनिंग में भी, बहुत ही कम लोग थे, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था। ऐसे बीचेस हमें पसंद आते हैं। हम जब नॉर्थ गोवा में रुकते हैं, उसके लिए भी अगर आपको नॉर्थ गोवा में भी किसी सेक्लूडेड बीच पे जाना है, तो एश्विम बीच और मंद्रिम बीच, और मंद्रिम बीच पे एक बहुत अच्छा रिजोर्ट है, रीवा बीच रिजोर्ट, आप उस पे जाए, सच में बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी ये बहुत अच्छा, ये दिस इज द उटोरदा बीच। ओ वाह, डॉग्स, हेलो हेलो हाय, और इसको खाने को चाहिए भाई, कुछ दे दो, शार्क्स नहीं खुले, देंगे बेबी, देंगे देंगे अभी देंगे यार, उसके लिए बिस्किट ले आते हैं। ओके, तो मैं बोल रही थी दिस इज उटोरदा बीच एंड इट्स वेरी नाइस बीच, नाइस एंड क्लीन बीच, और यहाँ पे भी 3-4 रिजॉर्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो बीच पे ही हैं। वन इज़ रॉयल ऑर्किड एंड हॉलीवुड बीच रिसोर्ट एंड दिस केनिलवर्थ, तो आप इन तीनों में से कोई भी ले तो बीच में बहुत अच्छा आपको लगेगा, और यहाँ पे शार्क्स भी अच्छे अच्छे हैं। ये आवाज, ये क्या कर रही है?
ये शेल्स हैं, इनसे कुछ कुछ डेकोरेटिव पीसेस बन सकते हैं घर पे DIY। जहाँ जहाँ तुम्हें मिले वीडियो छोड़ के इकट्ठे करो। देख देख एक बोरा बोरा इनके अंदर क्रैब्स भी होते हैं पता है। चलो काना, कैसा लग रहा है आपको गोवा में? कितना अच्छा, कितना हैंड से बताओ कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप कहाँ जा रहे हो? How beautiful this site is. जाओ बाबा जी तो बहुत आगे गए। काना पापा और बाबा जी तो बहुत आगे चले गए। अच्छा इसीलिए इतने आगे गए। मम्मी पापा यार मजे कर रहे हो यार। ये सबसे बड़ी खुशी होती है यार, आपके पेरेंट्स ना आपकी आंखों के सामने इतने खुश हो हमेशा। यार भगवान जी प्लीज़ इनको हमेशा खुश रखना, हमेशा इनको सही सलामत रखना बस यार। हमेशा इन्होंने ही ना हमारे लिए सब कुछ किया है पता है। थोड़ी सी बारी अब हमारी है कि हम इनके लिए कुछ कर पाए। वाह, माय लाइफ इन अ फ्रेम। थैंक यू गॉड, थैंक यू। कान्हा को डर लग रहा है। कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा लग रहा है। तो फिर हमें ये क्यों बोलते हो हर बार क्या लेने जाते हो, हर बार क्या लेने जाते हो? दब गया, खुजली होगी शरीर पे। अरे पापा तो बह ही गए। वाओ इतना सुंदर घर, कैसे बना के दिखाओ मम्मा को। ये whose house is this? बताओ। वाह, whose house is this? काना का है। वाह, ये मम्मा का है। वाह, काना और मम्मा अलग अलग घर में रहते हैं क्या? क्यों पता है यहाँ की अच्छी बात क्या है? यहाँ पे बाकी बीचेस की तरह कलंगूट, बागा या फिर कोई भी, मोस्टली साउथ के बीचेस में भी होता है यही कि आपको सनबेड के लिए पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपके सनबेड फ्री है, पूरा दिन उस पर ले सकते हो और आपको कुछ खरीदने की जरूरत भी नहीं है। देर आर सो मेनी डक्स एट दिस रिसोर्ट। काना नहीं देख रही डक्स? Yeah।
एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग इन द पूल। क्या उधर रख दूंगी आपका चश्मा। काना स्विमिंग करके जा रहे हैं, वेरी गुड। काना क्या लेने जा रहे हो? ये इतने जल्दी कैसे थक जाता है काना? नहीं नहीं, अच्छा बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम बताओ? खिलौने लेने। खिलौने लेने, आपके खिलौने लेने। हम धूप में घूम घूम के जा रहे हैं। स्कूटी भी नहीं मिली हमें? बाइक भी नहीं मिली, स्कूटी भी नहीं मिली। नहीं। और अब हम क्या ढूंढेंगे? खिलौने की शॉप ढूंढेंगे। 2 बजे हुए हैं और इतनी गंदी वाली धूप होती है गोवा में, और इस लड़के को अभी कहाँ जाना है? ओशन में। ओशन में क्या करने? ये। इससे क्या करोगे? कुछ क्या? क्या खेलोगे? मिट्टी से घर बना के। क्या ये? ये तो ये, ये सब ले रख के ये बनाएगा? और इतनी धूप हो रही है। इतनी धूप में इतनी मेहनत बाबा जी कर सके बस। लगे पड़े। और फिर डिनर करने के बाद हम लोग आ गए एक्टिविटी एरिया में, जहाँ पर हमने कुछ एक्टिविटीज़ की। वी प्लेड फूसबॉल, आई थिंक इट्स कॉल्ड फूसबॉल, सॉरी इफ आई एम रॉन्ग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस डाल सकूं। एंड ओके, सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग।